अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अटैक बॉस, हमें लगता है कि वो हमें बेवकूफ बना के टारगेट को अपने साथ ले गई। कुछ नहीं होगा आपको अंशुमन जी, कुछ भी नहीं। ढूंढो उसे, ज्यादा ढूंढने गई होगी। और याद रहे, टारगेट किसी भी हाल में हमारे हाथ से निकलना नहीं चाहिए। चलो ठीक है बाप। बोले लड़की जी, चलो पकड़ो उसे। डरने का समय नहीं है सुमन, तुम्हें किसी भी हाल में अंशुमन जी को बचाना है। अरे वो रही एम्बुलेंस में। हमारे सामने कोई भी क्यों ना आ जाए, हमारे रहते अंशुमन जी को कुछ नहीं हो सकता। इन तीनों के लिए अकेले हम ही काफी हैं। हम क्या करें, अंशुमन जी को कैसे बचाएं? अब हम क्या करें? सुमन रॉय, चुपचाप वैन बंद करो और बाहर निकलो जल्दी। तुम बाहर निकल रही हो या हम आए? नहीं प्लीज, आप लोग वहीं रुक जाइए, हम खुद आ रहे हैं बाहर। जैसे ही वो बाहर निकले उसे दबोच लेना। ये बॉस बच के जाना ना पाए। इंस्पेक्टर सर को कॉल करते हैं। अरे कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा? प्लीज कोई तो फोन उठा लीजिए, हम अंशुमन जी को कैसे बचा पाएंगे? स्टेशन,
एम्बुलेंस में लड़की का नामो निशान नहीं है, मुझे तो लगता है लड़की भाग गई। जब तक हम जिंदा हैं, तब तक आपको कुछ नहीं हो सकता अंशुमन जी, कुछ भी नहीं। भैया प्लीज जल्दी चलिए ना, प्लीज। अरे इतना रात गए, कौन तूफान मचा रहा है? सुमन तुम यहाँ? बेटा अंशुमन कहाँ है? सुरभि माँ आप हमारे साथ बाहर चलिए। कहाँ? बेटा पहले ठीक से बताओ बात क्या है। पापा प्लीज बाहर चलिए ना। अभी कौन सा नया तमाशा लेकर चली आई है? ये चलता फिरता सिनेमा घर? बड़ी माँ भी बातें करने का समय नहीं है, प्लीज आप लोग हमारे साथ बाहर चलिए प्लीज। सुरभि माँ चलिए जाजी, चलिए चलिए। अरे अंशुमन यहाँ ऑटो में सब ठीक है ना सुमन? अंशुमन तुम ठीक तो हो बेटा, क्या हुआ इसे? पापा सुरभि माँ आप लोग प्लीज शांत हो जाइए, आप लोगों के सवालों का जवाब हम दे देंगे, लेकिन इस वक्त अंशुमन जी यहाँ बाहर सेफ नहीं है। नंदन प्लीज हमारी मदद करो। चलो अंदर ले चलो। आराम से। बड़ी माँ सुरभि माँ आप लोग सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दीजिए और बाहर का कोई भी आदमी अंदर नहीं आना चाहिए, अंशुमन जी की जान पे खतरा है प्लीज। हाँ सुमन तुम चिंता मत करो। हाँ करता हूँ। चल नंदन हम अंशुमन जी के ट्रीटमेंट की सारी तैयारियां यही कर रहे हैं ताकि इन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ वो सब ठीक है, तुम यही चाहती थी ना कि सारे दरवाजे खिड़कियां बंद हो जाए तो हो गए। अब तुम बताओगी कि तुम किससे पूछकर बिग्गी को हॉस्पिटल से यहाँ लेकर आई हो? अंशुमन जी, अंशुमन जी, थैंक गॉड आप ठीक है, मेरी तो जान ही निकल गई थी। मुझे पता चला कि हॉस्पिटल में दोबारा अंशुमन जी पर हमला हुआ है, मुझे लगा ही था कि तुम उन्हें बचाकर घर ले आओगी। थैंक्स। एक बात बताओ संध्या बहू, तुम तो अस्पताल में रुकी थी ना अंशुमन बहुआ के साथ उनके पास रहने के लिए, हैं? तो फिर जब बड़के बहुआ पर हमला हुआ तब तुम थी कहाँ? छत पे अचार डालने गई थी का? बड़ी माँ मैं तो बस वॉशरूम गई थी और अचानक ये सब। संध्या वॉशरूम में नहीं होते हुए भी झूठ बोल रही है कि वो वहीं थी, आखिर बात क्या है? वॉशरूम गई थी लेकिन संध्या हमने तो वॉशरूम में भी चेक किया था, तुम वहां नहीं थी। मतलब मुझे तुम्हें भी सफाई देनी पड़ेगी क्या? और क्यों? किस हक से? हो कौन तुम इस घर की? क्या चाहती क्या हो? मतलब इतने तनाव भरे माहौल में भी तुम्हें नकाई बुझाई की सूझ रही है? शर्म आनी चाहिए सुमन। संध्या थोड़ा आराम से बात करो, और हम तुमसे कोई सफाई नहीं मांग रहे हैं, बस हमने एक सवाल किया है उसका जवाब देना है। और सब नहीं चाहिए तुम्हारे मुंह से, चुप हो जाओ। बड़ी माँ लेकिन हम कुछ गलत कहाँ कह रहे हैं, हम तो बस अंशुमन जी के लिए। हम बहुत बूझते हैं तुम्हारा इरादा, तुम्हारा मतलब सब कुछ, और तुम ही बताओ हमको कि तुम किस अधिकार से संध्या बहू से सवाल कर रही हो इतने।